गरीब शोषित पीड़ित लोगों पर पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा के जिलाध्यक्ष शिवशंकर प्रसाद के नेतृत्व में परसा में आक्रोश मार्च निकाला गया। आक्रोश मार्च परसा डाक बंगला से निकलकर दरोगा राय चौक पहुंची, जहां पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए परसा थाना प्रभारी का पुतला जलाया गया। इस संबंध में जिलाध्यक्ष ने बताया कि थाना क्षेत्र के सगुनी पंचायत के बेदवालिया में कुछ गैरमाजुर्वा भूमि मालिक पट्टा के आधार पर दलित लोग वर्षों से काबिज है। हाल के दिनों में भूमाफियाओं के द्वारा जाली कागज बनाकर काबिज होना चाह रहे हैं। इसी क्रम में भूमाफियाओं ने उक्त जमीन पर धारा 144 लगाकर केस दर्ज कराए, उसमें दलित लोग के पक्ष में ही फैसला आया है। यह फैसला अप्रैल 2023 में ही हो गया है। फैसला रिपोर्ट में पुलिस और अंचलाधिकारी को भी निर्देशित किया गया है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। इसके बावजूद पुनः 1 नवंबर 2023 को भू माफिया को लेकर पुलिस दलित लोग के पास आकर जमीन की कागजात मांगने लगा और पुनः केस की धमकी देने लगा। पुलिस की यह हरकत अनुमंडल कोर्ट को भी अपमानित करने वाला बात है। परसा थाना प्रभारी भू माफिया और दलालों से मिलकर थाना चला रहे हैं। सीओ के आदेश के बिना भी गरीब लोगों को कानूनी पचड़ा में फंसाने का काम करते हैं। इससे ऊबकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों ने किसान सभा के झंडा बैनर के साथ भाग लिया, जिसमें किसान नेता श्याम सुंदर राय, पप्पू यादव, सकल राम, योगेंद्र राम, सुदीश राम, राम प्रवेश राम, उपेंद्र कुमार, विशेश्वर राय, इंद्रजीत सिंह, मदन मिश्रा, अजय दास, द्वारिका राम, विजेंद्र राम, चंदेश्वर राम, दरोगा राम, कांति देवी, मुन्नी देवी, अमरावती देवी, उषा देवी, चंद्रमा मांझी, भुवनेश्वर दास, योगेश्वर राम इत्यादि ने भाग लिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि आक्रोश मार्च में जो पुलिस पर आरोप लगाया गया है, जो मेरे संज्ञान में नहीं है, इस आरोप का जांच कराया जा रहा है। डी 11 टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। ये आक्रोश मार्च दिखाई दे रहा है। ये ऐसी बात है कि पुलिस जिन गरीबों का और जिन लोगों का रक्षक बनने के लिए खाकी वर्दी पहन करके वो पुलिस जो है आम जनता का विश्वासी पर्सन होते हुए आम जनता के साथ गरीबों के साथ आज उठा रहा है। वो वाक्य मैं एक बताता हूँ कि दलित बस्ती में जो है कुछ गर्मजलवा जमीन है जिसको वर्षों से दलित लोग उस पर काबिज है। बाद के दिनों में कुछ भू माफिया लोग जो है गलत कागजात के आधार पर उस पर काबिज होना चाहा और काबिज होने में सफलता उसको नहीं मिली तो वो एसडीओ कोर्ट में 144 पुलिस के सहारे किया। पुलिस के सहारे 144 हुआ। अनुमंडल पदाधिकारी ने उन दलितों के पक्ष में फैसला दे दिया और वो फैसला अप्रैल महीने में ही आ गया और वो फैसला की कॉपी जो है एक कॉपी प्रभारी को भी आ गई है क्योंकि उसमें निर्देशित है कि अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। ऐसी स्थिति में ये पुलिस जो है 1 नवंबर 2011 को वो माफिया के इस आज को साथ लेकर के और उन दलितों के घर पहुंच करके पूरा कागजात की मांग कर रही है करती है और कागजात ने कहा कि कागजात नहीं दोगे तुमको फांसी तुमको जेल दे देंगे केस करेंगे, तरह तरह की धमकियां उन दलितों को दे रहा है। एक तरह से यह जो है अनुमंडल कोर्ट की अवमानना है। पुलिस इतना बर्बर हो गया है कि सीओ कुछ करते हैं, सीओ किसी मामला में आदेश भी नहीं करते हैं तब तक ये जो है बढ़ करके ओवरलाइड एक्शन में आकर के और वो गरीब गुरबा को जो है जमीनी मामला में फंसा करके जो है और पैसा कमाने का काम करती है। शर्माना चाहिए परसा प्रभारी को, परसा थाना प्रभारी जो है ये शर्माना चाहिए इनको कि ऐसे गरीबों को जो है वो उलझा करके मुकदमा में उलझा करके और उनको तंग करते हैं, ये विश्वास के पात्र नहीं रह गए हैं। ऐसे स्थिति में ये अगर अपनी एक्शन से बाज नहीं आते हैं, अपनी कार्रवाई से बाज नहीं आते हैं तो
आगे आने वाले दिन में इससे भी बड़ी आंदोलन होगी और इसका सारा जिम्मेवार ये थाना प्रभारी होंगे। इसलिए मैं ये जाम जनता से आग्रह करने आया हूँ कि ऐसे अत्याचारी ऐसे जुर्मी थाना प्रभारी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कीजिए और इनको बताइए कि आपकी गलत हरकत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हमें भी कानूनी अधिकार है अपनी बात रखने और कानून का पालन करने। आप कानून के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, आप अनुमंडल पदाधिकारी और मंडल कोर्ट की अवहेलना मत कीजिए, वरना ये विश्वास तो प्रशासन से उठ जाएगा, आखिरी पर्दी अविश्वसनीय हो जाएगा। इसलिए थाना प्रभारी इस बात को अगर नोट नहीं करते हैं तो आने वाला दिन में अखिल भारतीय किसान सभा इसके लिए बड़ी से बड़ी आंदोलन करेगी और इन्हीं के लिए आज ये सड़कों पर लोग जो है उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या चीज देख रहे हैं आप? जो दूसरे का संपत्ति हड़पने के लिए सब ड्रामा जिंदाबाद।
क्या चीज देख रहे हैं आप जो दूसरे का संपत्ति हड़पने के लिए सब ड्रामा जिंदाबाद।